बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम घर बैठे अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। कि अभी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन है, इन्होंने ये एक सर्विस मुतारफ़ करवाई है, ई सर्विस पोर्टल। तो इसके ज़रिए हम घर बैठे ही अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवा सकते हैं। हमें इस तरह के झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। ये जैसे ये इतना रश है और बारी आती है, या फिर ये हमें पैसे भी एजेंटों को नहीं देने पड़ेंगे कि हाँ भाई मैं आपका पहले काम करवा लेता हूँ, मुझे इतने पैसे दो। तो अभी आप घर बैठे ऑनलाइन अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा सकते हैं, वो भी तकरीबन 16, 17 या 20, 25 मिनट के अंदर अंदर। और हमें इस तरह के रश में भी से नहीं गुजरना पड़ेगा। पहले इतनी इतनी लंबी लाइनें लग जाती थी कि आदमी सुबह को जाना, और रात में भी कभी कभी बारी नहीं आती थी। तो अभी इन्होंने ये ऐसी सर्विस मुतारफ़ करवा दी है कि भी आसानी के साथ हम अपना पासपोर्ट घर में बैठे बना सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि हमें इसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि इसका प्रोसेस क्या है ऑनलाइन पासपोर्ट बनाने के लिए। तो ये मेरे पास वेबसाइट है, ऑनलाइन mrp.nadra.gov.pk। तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे, यूट्यूब की वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा, जिधर से इस लिंक के ऊपर आप जाके इसको क्लिक करके तो इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे ये नाम पुट करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देखें, जो ही ये पेज ओपन होगा तो इसमें इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, व्हाट इज़ ई सर्विस पोर्टल। तो इन्होंने ये नीचे दिया हुआ है कि अगर आपके अप्लाई फॉर रीन्यूअल ऑफ योर मशीन रीडेबल पासपोर्ट इफ़ योर पासपोर्ट हैज एक्सपायर्ड और इट्स वैलिडिटी इज़ लेस देन 7 मंथ, यानी आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो चुका है या उसकी वैलिडिटी 7 महीने से कम है, तो आप उसको ऑनलाइन रीन्यू करवा सकते हैं। तो उसका क्या तरीका है? ये नीचे उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, क्रिएट ए न्यू अकाउंट या लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो मेरे पास पहले का अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे जाता हूँ, तो उसमें ये चेक करते हैं कि क्रिएट ए न्यू अकाउंट में क्या क्या ऑप्शन है। तो ये देखें, क्रिएट न्यू अकाउंट, योर पर्सनल डिटेल, यहाँ पे अपना नाम दें, सर नाम दें, ईमेल दें और रीटाइप अपना ईमेल एड्रेस दें, यहाँ पे अपना प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें, तो जो भी जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं वो कंट्री को सिलेक्ट करें। और आगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सऊदीया देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये नंबर आगे आ गया। आगे मैं अपना ये नंबर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दें और नीचे रीटाइप पासवर्ड और आई एग्री, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद ये मुझे एक मैसेज देगा मेरे ईमेल के ऊपर, तो उस ईमेल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जैसे ये मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि आपका अकाउंट जो है हमने वेरीफाई कर लिया है, जैसे ये यहाँ पे ये देखें, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, ये मेरा ईमेल है, ई सर्विस पोर्टल सक्सेसफुल अकाउंट रजिस्ट्रेशन। तो ये मेरा ईमेल है, उन्होंने इस ईमेल के ऊपर मुझे ये पिन कोड भेजा है, ये कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस पेज के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे मैं ईमेल दूंगा और वो आपके पास जो ईमेल में पिन नंबर आया वो यहाँ पे आप आके इंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आके ये वाला कोड देंगे तो वो वेरीफाई कर लेगा।
तो ये तरीका है इस में ईमेल बनाने का, जबकि मेरे पास, हाँ इसमें एक ये ऑप्शन, ये पासवर्ड, ये देखिए ये सवालिया निशान है, पासवर्ड मस्ट बी लेट एट लीस्ट 8 करेक्टर एंड मस्ट कंटेनर अपर केस करेक्टर लोअर केस करेक्टर, यानी आपका पासवर्ड इसी की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए वरना आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। वो स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पासवर्ड कुछ इस तरह का, हम लिखते हैं ASDF, उसके बाद @123, इसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम डायरेक्ट कोई नंबर देंगे इस तरह का नंबर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर अगर हम इंग्लिश के कोई हरूफ टाइप करेंगे इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर इंग्लिश के हरूफ के साथ ये हरूफ भी हमने ऐड किए हैं तो इसको भी एक्सेप्ट अक्सर नहीं करता। तो इसके बीच में @ या फिर ये हैच वाला टैब अगर इंटर करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये था तरीका इसमें अकाउंट बनाने का, जबकि मेरे पास पहले से एग्जिस्टिंग अकाउंट है, मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा और उसके बाद मज़ीद प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं। तो अपने अकाउंट में ऑनलाइन होने से पहले हम ये चेक करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, ताकि वो चीज़ें पहले से हमारे पास अवेलेबल हो। तो उसके लिए इसी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है कि ये रिक्वायरमेंट ऑफ रीन्यूअल ऑफ पासपोर्ट, के रीन्यू करवाने के लिए पासपोर्ट आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, तो इसके ऊपर जाते हैं। डॉक्यूमेंट टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये यहाँ से जाके अगर हम इस वीडियो को चेक करेंगे, इन्होंने ये वीडियो भी अपलोड की हुई है ताकि कोई भी नया आदमी है वो इस वीडियो को इधर से देख के चेक कर ले। तो इस वीडियो को चेक करते हैं। तो ये चीज़ हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, यहाँ से हमने देखा। उसके बाद क्या है, फोटोग्राफ ट्यूटोरियल भी है कि आप फोटो अपने फ़ोटोग्राफ को किस तरह अपलोड कर सकते हैं, इन्होंने ये पूरा का पूरा इस वीडियो में बताया हुआ है। तो इधर से जाके आप फ़ोटो का साइज़ और इसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये फिंगर प्रिंट ट्यूटोरियल, तो फिंगर प्रिंट ट्यूटोरियल में भी इन्होंने बताया हुआ है कि इधर से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे फीस की डिटेल है, वैलिड क्रेडिट कार्ड, हाँ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, उसके ज़रिए आप ये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जबकि इन्होंने और कोई तरीका नहीं रखा हुआ कि पेमेंट का, लाजमी है कि ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करेंगे।
और उसके लिए हमारे पास क्रेडिट कार्ड पहले से मौजूद होना चाहिए। तो ये पासपोर्ट की फ़ीस है, नॉर्मल 36 पेज वाला 3000 फीस और सर्विस चार्ज 2500 प्लस एप्लीकेबल टैक्स, तो ये टोटल मिला के, तो ये अगर हम 36 पेज वाला बना रहे हैं तो ये 5500 रुपये लगेंगे। तो इसी तरह आप इधर से मज़ीद तफसीलात आप देख सकते हैं, ये 10 साल के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये टोटल फ़ीस क्या होगी। अर्जेंट के लिए क्या है, ये अर्जेंट है, अर्जेंट की कितनी है और नॉर्मल की कितनी है, इधर से आप जाके सारे का सारा चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, ये फ़ोटो पड़ी हुई है, उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी और ये पासपोर्ट की कॉपी जो स्कैन की हुई है, तो उसके बाद ये फिंगरप्रिंट, तो ये देखें फिंगरप्रिंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो ये इसको जूम करें तो ये क्लियर नज़र आ रहा है, ना इसकी स्याही फैली हो, ताकि वो उन्होंने वेरीफाई करना होता है ताकि वो आसानी के साथ फिंगर को आपस में वेरीफाई कर लें। तो उसके बाद हम अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं और मज़ीद, तो अभी मैं अपने अकाउंट के ऊपर ऑनलाइन होता हूँ, तो मेरे पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है पहले का, तो इसमें मैं लॉगिन होता हूँ और देखते हैं आगे मज़ीद प्रोसेस क्या है। तो ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर जाकर क्लिक करें, इसमें अप्लाई फॉर ऑनलाइन पासपोर्ट, तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट का नंबर लिखें, जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर है उसको यहाँ पे लिखें, उसके बाद इशू डेट, इशू जो पुराना पासवर्ड था वो कब इशू हुआ था, वो उसके पासपोर्ट के ऊपर डेट को चेक करके यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, और एक्सपायरी डेट यानी एक्सपायर कब हो रहा है, तो डू यू करंटली प्रोसेस योर एक्सपायर्ड, यस मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाइड ऑन योर पासपोर्ट, नहीं कोई मैंने अपडेट नहीं करनी, और आर यू अप्लाइंग, ये बच्चे वगैरह का लिए, बच्चों के लिए है लेकिन बच्चों के लिए मैं नहीं कर रहा, तो इसको नो। आगे ये देखिए ये पट्टी सी ऑटोमेटिकली चली गई है आगे, और यहाँ पे सिटीज़न नंबर यानी CNIC अपने शिनाख्ती कार्ड का नंबर इंटर करेंगे, शिनाख्ती कार्ड भी लाजमी पास होना चाहिए आपके, ये शिनाख्ती कार्ड का नंबर पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा हुआ आता है, उधर से भी आप देख के इंटर कर सकते हैं, नॉर्मल अगर आपने नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल के ऊपर क्लिक करें, या अर्जेंट बनाना है तो अर्जेंट के ऊपर क्लिक करें। ऑर्डिनरी और नंबर ऑफ़ पेज रिक्वायर्ड, जितने भी आपको पासपोर्ट के पेज रिक्वायर्ड हैं वो इधर से आप चूज़ कर सकते हैं, वैलिडिटी 5 साल या 10 साल, कंट्री ऑफ रेजिडेंस सऊदी अरबिया, और जिसमें आप रहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है, पासपोर्ट ऑफिस आपके नज़दीक कौन सा है, तो रियाज। तो ये देखें ये ऊपर टोटल फ़ीस आ गई है कि आपका पासपोर्ट अर्जेंट के हिसाब से उन्होंने ये फीस दे दी है।
उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आए तो नेक्स्ट में आपने यहाँ सेलेक्ट योर प्रेजेंट एड्रेस कंट्री, ट्वेंटी परसेंट कम्प्लीट हो चुका है तो ये पासपोर्ट ऑफिस से लेके आना है या एड्रेस के ऊपर, तो मैंने ये एड्रेस के ऊपर सेलेक्ट किया है इसको। तो जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं वो उधर से आप ये सेलेक्ट करेंगे और स्टेट का नाम दें, सिटी का नाम दें और एड्रेस, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद ये पेमेंट, यहाँ से आपने जाके ये 30% हो चुका है, यहाँ से पे विद क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ये आप इस यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो पे विद क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसने ये एक फॉर्म सा खोल दिया है, ये फॉर्म के ऊपर नाम वगैरह लिखें, टेलीफोन नंबर लिखें और जहाँ पे आप रह रहे हैं पोस्टल कोड वगैरह वो आप लिखें। तो नेक्स्ट, उसके बाद ये क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ये कार्ड टाइप आपके पास कौन सा है, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और काफ़ी सारे कार्ड हैं उधर से, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके और अपना कार्ड नंबर दें। उसके बाद ये कार्ड सिक्योरिटी कोड, नीचे जो है कार्ड एक्सपायरी डेट, जब आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है तो कंफर्म एंड पे, कंफर्म एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आगे वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो ये अभी प्रोसेस कर रहा है उसको। तो ये बैंक का मैसेज आया मेरी तरफ कि वो मोबाइल के ऊपर मैसेज सेंड करते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो अब अगर तो आप चाहते हैं तो ये कोड इंटर करें, तो मैं उस कोड को जो है इंटर कर रहा हूँ ताकि वो मेरे अकाउंट से 9128 रुपये काट लें। ये 9128 ये पहुँचाने के लिए भी है, ये एक्स्ट्रा जो है ना, पहले 7500 था, अभी एक्स्ट्रा उन्होंने लिया है। तो ये रिपोर्ट आ गई है जिसको मैं प्रिंट कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास सेव रहे। क्लोज पेमेंट, नेक्स्ट। नेक्स्ट किया तो उसके बाद ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है जो पहले से सिलेक्टेड है, यानी फादर का नेम और मेल वगैरह, तो यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है जो भी, यानी पुराने पासपोर्ट के ऊपर मालूमात होंगी तो वो यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दें, लिखा हुआ है प्लीज़ इंश्योर डैट द फ़ोन नंबर प्रोवाइड, यानी जिस जो टेलीफोन नंबर आप यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर वो पासपोर्ट ऑफिस वाला आपको फ़ोन करता है तो वो फ़ोन इंटर करना है आपने। तो क्लिक टू अपडेट योर क्वालिफिकेशन, यहाँ से क्वालिफिकेशन भी इंटर करनी है तो आप इंटर कर सकते हैं, या प्रोफेशन भी अगर इंटर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जितनी भी तालीम है वो यहाँ पे इंटर करके नेक्स्ट करेंगे तो वो आगे वाले पेज के ऊपर चला जाएगा। तो ये एड्रेस था पाकिस्तान का, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो अभी ये फादर का नाम, ये भी ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि पुराने पासपोर्ट से काफ़ी चीज़ें जो है ये शो हो जाती हैं इधर, तो अभी नेक्स्ट करता हूँ। अभी ये फोटोग्राफ,
फ़ोटोग्राफ की डिटेल लिखी हुई है, यानी 5 MB से साइज़ फ़ोटोग्राफ का ज़्यादा ना हो। उसके बाद अपलोड योर फोटो मीट्स द स्पेसिफिकेशन। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, देखते हैं 70% हो चुका है, बल्कि 80%। तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने अपलोड करने हैं। यहाँ से आप देखें जो भी रिक्वायरमेंट है आपको, सेलेक्ट कॉपी ऑफ आईडी कार्ड की, जो भी आपके पास शनाख्ती कार्ड है उसकी आप कॉपी को अपलोड करेंगे। ये मैंने स्कैन की हुई थी तो इसको मैंने अपलोड करता हूँ, तो ये अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद ये प्रीवियस पासपोर्ट की, जो पहले आपके पास पासपोर्ट पड़ा हुआ है उसको भी आप यहाँ से चूज़ करके और अपलोड करें। और ये याद रहे कि ये 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपलोड तो ये अपलोड हो चुका है। इसी तरह जो भी इधर रिक्वायरमेंट आप बच्चों के हैं तो इधर से आप बच्चों के फॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और भी, लेकिन रीन्यू पासपोर्ट रीन्यू करवाने के लिए जो 18 साल से ऊपर के हैं वो इधर से अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद फिंगरप्रिंट वाला फॉर्म भी आगे वाले ऑप्शन में अपलोड होगा, वो भी फिंगरप्रिंट वाला फॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये टोटली इन्फॉर्मेशन आ गई है, पेमेंट डिटेल वगैरह और नंबर वगैरह, ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है। और इसको आप जो है वो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं जो हमने अपलोड किया हुआ है। तो ये पासपोर्ट की कॉपी मैंने अपलोड की थी, तो ये सामने अभी इंटरनेट से लोड हो रही है। बहरहाल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन, अभी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ तो ये मेरे पास दो एप्लीकेशन है, एक मेरे भाई की है और एक मेरे दोस्त की है। ये मैंने ऑनलाइन अप्लाई की थी। अभी ये एप्लीकेशन इनबॉक्स में देखें इन प्रोसेस है, ये दोनों इन प्रोसेस हैं। तो ये कंप्लीट हो के ये मेरे ईमेल के ऊपर मैसेज आएगा, तो जिसको हम चेक करते हैं वो मैसेज क्या है, तो ये मैसेज होगा डियर ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिशन, यानी मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, जमा हो गई है। तो यहाँ से पूरे का पूरा वेरीफाई हो जाएगा। जमा होने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपको भी ईमेल कर दी जाएगी कि डियर मोहम्मद रिजवान एप्लीकेशन अप्रूवल नोटिफिकेशन, यानी कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल हो चुकी है और वो अभी प्रोसेस में है। तो आप वीडियो को देख के शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।